सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मैं करण प्रयाग में हूँ, जहाँ पे कि यहाँ पे करण का मंदिर है और करण ने जो है यहाँ पे भगवान महादेव की तपस्या करी थी। ये ऊपर जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं तो ये पवित्र भूमि है। यहीं पे करण को जो है परशुराम जी ने विजय धनुष दिया था खुश होके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे महादेव जी की तपस्या करी थी। दूसरा जो है यहाँ पे जो है महादेव जी का भी टेम्पल है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि नीचे जो है यहाँ पे संगम है, जिसको बोलते हैं हम करण प्रयाग। करण प्रयाग में दो नदियों का ज्वाइंट होता है। फर्स्ट नदी कल अलकनंदा, अलकनंदा जो है वो अलकापुरी बदना से आती है, और दूसरी नदी है इस तरफ में, ये जो है पिंडर रिवर है, जो कि कुमाऊं मंडल से आती है। तो जो है नीचे आपको मैं संगम का भी दर्शन करा देता हूँ, धूप भी चमक रही है उस पर। तो ये संगम है, ये जो है अलकनंदा और पिंडर रिवर का संगम हो रहा है यहाँ पे। तो आपको अलकनंदा ये सामने से आती हुई दिखाई दे रही है, और इस तरफ में जो है ये पिंडर वैली, पिंडर रिवर है, ठीक है। और ये करण का मंदिर भी है यहाँ पे, महादेव जी का मंदिर है। ये हमारी अंतमा अम्मा हैं जो कि यहाँ पे आई हुई हैं मेरे साथ, और बहुत ही खुश है, बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन कर रही हैं। अम्मा आपको कैसा लग रहा दर्शन? रुम्बा नलार का, नलार का या रुम्बा नलार का? हाँ, आप तो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कन्नड़? अलकानंदा। नो नो, अलकनंदा, अलकानंदा वो है, अलकनंदा नॉट अलकानंदा, अलकनंदा वो है, और ये पिंडर है, ठीक है। इस तरफ में जो है पिंडर है, इस तरफ में जो है अलकनंदा है, ठीक है ना। और अभी हम करण प्रयाग में हैं। श्याम आ जाओ, आप भी टूर इंजॉय करो। और दर्शन हो गए हैं, और यहाँ पे करण प्रयाग में दर्शन कर लिया। मिस्टर श्याम हमारे साथ हैं। श्याम, आपके सामने जो रिवर है ये है अलकनंदा, और जो राइट में इधर है वो है पिंडर रिवर, पिंडर, हाँ पिंडर रिवर, जो कि कुमाऊं से आती है, कुमाऊं मंडल से, और ये अलकापुरी बदना से अलकनंदा आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो संगम है ये नीचे आप देख रहे हैं, ये संगम जो है ये अलकनंदा और पिंडर रिवर का है। तो इस स्थान को हम बोलते हैं करण प्रयाग, क्योंकि करण ने यहाँ पे जो है तपस्या करी थी भगवान महादेव जी की, जिससे प्रश्न हो के परशुराम जी जो उनके गुरु थे उन्होंने उनको यहाँ पे विजय धनुष प्रदान किया था, ठीक है ना। ये यहाँ का इतिहास है। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री है ये मिथोलॉजिकल है, बहुत ही अच्छा स्थान है, और कोई भी आप कभी भी आके घूम के यहाँ पे जा सकते हैं। जब चार धाम यात्रा या दो धाम यात्रा हमारे साथ अच्छी तरह से कर सकते हैं, और बहुत ही इंजॉयफुल और बहुत ही अच्छी जो है, इट इज़ कॉल्ड जस्ट लाइक एज ए हेवन, तो दैट इज़ अ वंडरफुल। सो गाइज एंड